अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ आपने एक नई न्यू टॉपिक के साथ, जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी मुआशरे का इस्तेहकाम। सबसे पहले मदनी मुआशरे का इस्तेहकाम ये है कि मदनी मुआशरा जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो रियासत मदीना कायम की। अब यहाँ पे एक मैं दो टर्म्स डिस्कस करूँगी। दो कबीले हैं, गज़वा बनू कुनैका और गज़वा बनू नुज़ैर, ठीक है। ये दोनों कबीले जो थे यहूदियों पर मुश्तमिल थे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि एक जो यहूदी था, आपने सुना है गज़वा जो है ना गज़वा अहद में, उसने अब्दुल्ला बिन अबी नाम है उसका, ठीक है। उसने क्या किया था, अब्दुल्ला बिन अबी ने अपने जो है ना अपने लश्कर समेत वो अलग हो गया था और इसी तरह से वो एक मुनाफिक ठहरा था। मुनाफिक कहते हैं जो ज़ुबान से तो इकरार करता है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन दिल से इकरार नहीं करता, ठीक है। अब मुनाफिक दिल से इस्लाम नहीं लाता, बस ज़ुबान से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। यहूदियों के जो हैं वो तकरीबन 3 कबाइल थे, ठीक है। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 बड़े कबाइल थे, बनू नज़ैर, बनू कुनैका और बनू कुरैज़ा, ठीक है। अब ये बनू कुरैज़ा भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। डिस्कस हम इन दोनों के बारे में करेंगे, गज़वा बनू कुनैका और गज़वा बनू नज़ैर। जो गज़वा बनू कुनैका था इसमें जितने रहने वाले थे 700 से ज़्यादा यहूदी थे और ज़्यादातर जो लोगों का पेशा था वो लोहार यानी लोहे का काम करते थे, ज़रूफ़ साजी, बर्तन बनाने का काम करते थे और इसी के साथ से सुनियार यानी कि सुनार थे, ये जो सोना वगैरह था उसका काम करते थे। तो इधर एक वाक़या पेश आया। एक मरतबा एक मुसलमान खातून जो है वो बनू कुनैका के बाज़ार में कुछ सामान लेकर आई। सामान बेचकर वो किसी काम से एक सुनार की दुकान पर गई तो यहूदियों ने वहाँ इस औरत से बदतमीज़ी की और इसे बहुत परेशान किया। तो जब उसकी ये शरारत देखी तो एक वहाँ से मुसलमान गुजर रहा था वो उन पर टूट पड़ा, लेकिन यहूदियों ने उस इंसान को उस मुसलमान को भी कत्ल कर दिया। शहीद मुसलमान के जो घर वाले हैं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर ये सारा वाकया बताया। उन्होंने बताया कि आप इनसे इंसाफ का तकाजा करें, आप इंसाफ करें। तो आपने क्या किया, आपने सहाबे कराम के हमरा बनू कुनैका का मुहासरा कर लिया और यहूदी जो हैं वो किला बंद हो गए। किला बंद कहते हैं कि किले के इर्द गिर्द उन्होंने इर्द गिर्द किले को घेर लिया, जगह को घेर लिया। मुसलमानों ने वहाँ पर 15 दिन तक उस किले को घेरे रखा। अब अल्लाह ताला ने यहूदियों के दिल में ऐसी कोई चीज़ डाली कि वो उन्होंने अपने हथियार डाल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फैसला कबूल करने का ऐलान कर दिया। तो उन कबीला वालों ने आपका हर फैसला कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन नबी के पुरजोर इसरार पर उनकी जान बख्श दी। लेकिन अब्दुल्ला बिन नबी जो था वो ज़ाहिर मुनाफिक था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उसके पूरे इसरार, क्योंकि तब तक उन्हें नहीं आइडिया था कि ये जो है हमारे साथ जो है वो क्या कर रहा है, हमारे साथ एक तरह से मुनाफ़कत कर रहा है। वो कहता तो मुसलमान था अपने आप को पर था नहीं, लेकिन फिर आपने उन्हें माफ़ किया। ये लोग जो है मुल्क शाम के इलाकों में चले गए, यानी आपने उनको हुक्म दिया कि आप ये शहर छोड़ के चले गए। तो वो फिर क्या, उन्होंने ये शहर छोड़ के कुछ लोग जो है वो शाम चले गए। इस तरह से गज़वा बनू नज़ैर जो है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एक कबीला था ये मिसाक मदीना के बावजूद, यानी जो अहद आपने यहूदियों से लिया था ना तो मदीना की रियासत कायम करने पर, तो उसमें इन्होंने वो वादे को पूरा ना करने पर जो है उन्होंने वादा खिलाफियाँ शुरू कर दी। यहूदी जो है वो मुनाफकाना रवैया रखना शुरू हो गए। 4 हिजरी को उन्होंने मौज़ला आपको कत्ल करने का पूरा मनसूबा बनाया। आपको पहले ये बात पता चल गई कि उन्होंने एक मनसूबा बनाया मुझे कत्ल करने का। तो आपने पैगाम भिजवाया कि 10 दिन के अंदर मदीना छोड़ दो वरना तुम सब कत्ल कर दिए जाओगे। तो अब ये था कि अब्दुल्ला बिन अब्बी जो था वो एक तो मुनाफ़िकों का सरदार था और उसने ना सारे यहूदियों को आपस में मिलाया और उसने कहा उन्हें उसने इस गज़वा बनू नज़ैर वालों को कहा कि बनू कुरैज़ा जो है वो भी आपके साथ है, बाकी कबीले भी आपके साथ हैं यहूदियों के और मैं भी आपके साथ हूँ, पैगाम भिजवाया उन्हें। तो ऐसा हुआ कि लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और लोग ना वो जगह छोड़ के नहीं गए। तो जब उन्होंने ये जगह नहीं छोड़ी तो अब अपने किलों को नहीं छोड़ा तो फिर उन्होंने क्या किया
कि वहाँ पे जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि जब उनका फिर से मुहासरा किया और उसके बाद उन्होंने वो जब जगह छोड़ के उन्होंने देखा, लोगों ने देखा कि जो अब्दुल्ला बिन नबी है वो तो उनकी इतने दिन हो गए हैं मदद के लिए आया ही नहीं, यानी कह तो रहा था कि मैं मदद करूँगा, मैं साथ हूँ, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, वो मदद के लिए नहीं आया, फिर उन्होंने हथियार डाल दिए कबीले वालों ने और फिर वो लोग जो है वो इसको छोड़कर चले गए। ठीक है, लेकिन जब हथियार डाल दिए तो यहाँ पे एक हमारे जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शफ़क़त का जो वो मुजाहिरा किया फिर भी उनके साथ, कि जब वो जाने लगे थे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अपना जो जितना भी सामान है वो हथियार के अलावा जो सामान है ना वो ले जाओ, तो वो अपने साथ ले गए और हथियार यहाँ पे छोड़ गए। फिर मुसलमानों ने वो हथियारों को माल गनीमत के तौर पर जो है वो तकसीम कर लिया। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से शाम चले गए मदीना से और कुछ लोग खैबर में जाकर आबाद हो गए। ठीक है, तो ये था आपका एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी मुआशरे के इस्तेकाम में कुछ कबीलों का जिक्र जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो अपना आउटपुट अपना मुझे इनपुट लाजमी दें, मुझे फ़ीडबैक दें, कमेंट्स में पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।